नमस्कार दोस्तों, मैं भरत सोलंकी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में इलस्ट्रेटर के अंदर हम ग्रेडियंट ऑप्शन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। इस बॉक्स को हम ग्रेडियंट कैसे दे सकते हैं देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ग्रेडियंट का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। अगर यहाँ नहीं आया तो आप यहाँ विंडोज़ में से जाके यहाँ से ग्रेडियंट या तो कंट्रोल F9 करके भी ग्रेडियंट ला सकते हैं। ये रहा, इस पर क्लिक करके यहाँ आपको ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है और इस पर ऊपर यहाँ से ग्रेडियंट पे क्लिक करके यहाँ से क्लिक करना है। ऐसे तो एक ग्रेडियंट आ जाएगा। और इस ग्रेडियंट को कलर चेंज करने के लिए यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। दो दो कलर दियो है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से कलर आएगा। आप यहाँ से कोई भी कलर यहाँ से ले सकते हैं। ग्रेडियंट के अंदर दो ऑप्शन है, एक तो है लीनियर और दूसरा है रेडियल। रेडियल में सेंटर में से राउंड में राउंड ग्रेडियंट होगा। आप इस राउंड को कहीं से भी ऐसे खींच सकते हैं तो इस साइड से ग्रेडियंट ऐसे होगा। आइए हम दूसरे राउंड के अंदर भी इसे हम ऐसे ही ग्रेडियंट कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ग्रेडियंट करना है तो सेम सेम तरीके से कर सकते हैं। यहाँ आपको ग्रेडियंट के अंदर दूसरे कलर भी ऐड करने हैं तो यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ से डबल क्लिक करके इसे कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको जी प्रेस करके यहाँ से सेंटर से ग्रेडियंट करना होता है। यहाँ से ऐसे सेंटर से खींच के आप ड्रैग करके ऐसे ग्रेडियंट कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट के अंदर ग्रेडियंट करना है तो कैसे कर सकते हो दिखाता हूँ। पहले एक पॉलीगॉन टूल ले लेते हैं। यहाँ से इसको नॉर्मल कलर ले लेते हैं। यहाँ से कलर सिलेक्ट है। यहाँ से आप यहाँ से आई ड्रॉप सिलेक्ट करके यहाँ से ले लेंगे तो ये वाइट इसका। इसको सिलेक्ट करके आई प्रेस करके यहाँ से आई ड्रॉप लेके यहाँ से सिर्फ आई प्रेस करेंगे तो ये हो गया। इसने हमारा कहीं पर भी इसे यहाँ से आप आउटलाइन ले लेते भी आई ड्रॉप टूल लेके आप कहीं से भी किसी के भी प्रॉपर्टी को कॉपी कर सकते हैं। अब अगर हमें इसका ग्रेडियंट चाहिए तो आई प्रेस करके सिर्फ यहाँ से ले लेंगे। आई प्रेस करेंगे तो ये ग्रेडियंट इसका ले लेगा। यहाँ प्रेस आई प्रेस करके यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका ग्रेडियंट ऑप्शन ले लेगा। इस तरह से ग्रेडियंट कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। ऐसे ही हमें टेक्स्ट के अंदर ग्रेडियंट देना है तो कैसे दे सकते हैं दिखाता हूँ। यहाँ से कोई भी आप टेक्स्ट ले लीजिए। ये टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस टेक्स्ट को ग्रेडियंट देंगे, लेकिन टेक्स्ट के अंदर यहाँ से ग्रेडियंट हम अप्लाई करेंगे तो ये ग्रेडियंट लेगा नहीं। इसको हमें कन्वर्ट टू आउटलाइन करना पड़ेगा, जो हमारे टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद ही हमें यह ग्रेडियंट दे सकते हैं। यहाँ से आप लीनियर लेके जी प्रेस करके यहाँ से ऐसे या तो किसी तरह जैसा आपको ग्रेडियंट रखना हो ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से जूम करके यही हम सेम प्रेस आई करके यहाँ से इसके टेक्स्ट लेंगे तो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन इस टेक्स्ट को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी ये आई प्रेस करके हम इसकी प्रॉपर्टी कॉपी कर सकते हैं जी प्रेस करके ऐसे। इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट में ग्रेडियंट कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात है इसमें, मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल में देखा हुआ है लेकिन किसी को ग्रेडियंट के ज़्यादा ऑप्शन कहाँ से लाने वो देखने को नहीं मिलता। मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आप विंडो में जाइए, बहुत सारे आपको ग्रेडियंट मिलेंगे यहाँ से विंडो। इसके अंदर स्वेच लाइब्रेरी के अंदर जाके यहाँ से ग्रेडियंट ऑप्शन होगा। यहाँ से ग्रेडियंट ये सब बहुत सारे ग्रेडियंट, तो इसको पहले सबसे पहले ले लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से इस ग्रेडियंट है हमारा लाइटर ग्रेडियंट, सब लाइट वाले ग्रेडियंट। इसको यहाँ से हम थंबनेल ना वो सब चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने मीडियम लार्ज करना है तो यहाँ से लार्ज किया। अभी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को है तो इसमें से आप ग्रेडियंट सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी ग्रेडियंट ले ले।
अगर आपको दूसरे ग्रेडियंट चेंज कर, तो फिर से यहाँ विंडोज स्वेच में जाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ से आप प्रेस करेंगे तो ये ब्राइट की जगह सब चेंज होता रहेगा, कलर कॉम्बिनेशन ना, यहाँ से कोई भी क्लिक करके बहुत सारे ग्रेडियंट, यहाँ से बहुत सारे आपको ग्रेडियंट मिलेंगे, ले रहे हैं। कोई भी लेके आप यहाँ से कलर ना वो भी चेंज करना हो तो भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से कलर की ओपेसिटी ज़्यादा करनी है, बढ़ानी है, तो कोई भी कलर आपको यहाँ CMYK में से भी आप कलर ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, कोई भी कलर जो भी चाहिए। यहाँ देख सकते हैं आप चेंज हो रहा है। इसके अंदर ऐसे बहुत सारे ग्रेडियंट दिए हुए हैं। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ग्रेडियंट देखा और स्वेच में से कहाँ से बहुत सारे ग्रेडियंट ला सकते हैं वो देखा है। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।